Assalamualaikum students, how are you? I hope you are all fine and enjoying good health. My name is Sumaira Farooq and I am your computer science teacher. Let's start today's lecture. Chapter number 1, Microsoft Excel. The topic is function in Excel and structure of function. Students, आज हम function की definition देखेंगे और जो function का structure है वो define करेंगे कि function का structure होता कैसे है. अब सबसे पहले हम स्टूडेंट्स फंक्शन की डेफिनेशन लर्न करेंगे और समझेंगे कि फंक्शंस क्या हैं. व्हाट आर फंक्शंस? फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज दैट कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू परफॉर्म कैलकुलेशंस इन एक्सेल. एग्जांपल्स क्या हैं इनकी? हमें कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो एक्सेल दे रहा है, उसमें एवरेज, सम, काउंट नंबर्स, मैक्स, मीन एंड मोर फंक्शंस. मोर फंक्शंस मीन्स इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमें एक्सेल प्रोवाइड कर रहा है. अब फंक्शंस होते क्या हैं आइए समझते हैं. समटाइम्स स्टूडेंट्स हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं और हमें ये होता है कि हमारी टाइम सेविंग हो और हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फार्मूलाज लिखने ना पड़े. तो हमें कहीं से फार्मूला जो है उसका जो अप्लाई कर दें हम बिना राइट किए हुए, तो उसके लिए हमें एक्सेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका फंक्शन है, यानी कि उसका प्री डिफाइंड फार्मूलाज उसने अंदर उसके फंक्शनैलिटी है कि वो राइट किए होते हैं और हम उसको डायरेक्टली कैलकुलेशंस के लिए वहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं. अब जो एक्सेल है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास प्री डिफाइंड फार्मूला जो हैं वो लिखे हुए होते हैं, जैसे एवरेज, सम, काउंट नंबर्स और मैक्स मीन के, और इसके अलावा बहुत सारे फार्मूले जो हैं वो हमें लिखे हुए मिल जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें इनको लिखना नहीं पड़ता, यानी कि बहुत बड़े बड़े जो फार्मूले हैं वो हम बिना राइट किए हुए ही अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि ये फंक्शंस जो है इसका ऑप्शन होता कहाँ है. ये हमारे पास एक्सेल का एक बार है स्टूडेंट्स. इसमें हमारे पास ऑटो सम का जो हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने पढ़ा था कि ऑटो सम, तो ये उस ऑप्शन के साथ जब हम ऑटो सम का ये जो सिंबल है इस पर हम क्लिक करते हैं एक्सेल बार पे जाकर, तो ये हमारे पास ये जो विंडो है ये ओपन होती है. इसमें हमारे पास जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में स्टूडेंट्स डिस्कस किया कि एक्सेल हमें सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स और मिन और मोर फंक्शंस, ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं, यानी कि ये हमें राइड नहीं करने पड़ते. यहाँ से हम ओपन करते हैं और अपनी कैलकुलेशन पर अप्लाई कर देते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं. ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन के बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि फंक्शन किन पार्ट से मिलकर बनता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है. अ फंक्शन इन एक्सेल हैज़ थ्री पार्ट्स. फंक्शन के तीन पार्ट्स हैं. सबसे पहला है इक्वल टू साइन, सेकंड फंक्शन नेम होता है, थर्ड इज आर्गुमेंट्स. यानी कि ये तीन जो पार्ट हैं इनसे मिलकर हमारा फंक्शन बनता है, ये फंक्शन का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट स्लाइड देखें. सबसे फर्स्ट है इक्वल टू साइन. इक्वल टू साइन, ये साइन स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है, इसको हम इक्वल टू साइन कहते हैं. सारे फंक्शंस जो हैं किससे स्टार्ट होते हैं? इक्वल टू साइन से. विदाउट इक्वल टू साइन कोई भी फंक्शन हमारा कंप्लीट नहीं होता. हमने कोई भी फंक्शन राइट करना है तो सबसे पहले हम इक्वल साइन राइट करते हैं और फिर हमारा जो है दूसरा पार्ट आता है फंक्शन का, यानी फिर दूसरी जो मेन बॉडी है इक्वल टू साइन के बाद स्टार्ट होती है. ठीक है, स्ट्रक्चर का सेकेंड पार्ट है फंक्शन नेम. फंक्शन नेम क्या होता है स्ट्रक्चर का? यानी कि जो भी हमने फंक्शन परफॉर्म करना है उस टाइप का नेम होगा. अगर हमने सम परफॉर्म करना है तो फंक्शन नेम सम होगा. अगर हमने फंक्शन मल्टीप्लीकेशन का परफॉर्म करना है तो उसका जो नेम है वो प्रोडक्ट होगा. इसी तरह एवरेज का फंक्शन है, मीन, मैक्स और भी बहुत सारे फंक्शन हैं स्टूडेंट्स. जिस तरह की हमारी कैलकुलेशन होगी उस टाइप का फंक्शन का नेम होगा. सपोज अगर हमने एडिशन करनी है तो हमारा फंक्शन नेम क्या है स्टूडेंट? ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सम. ठीक है,
इक्वल टू साइन के बाद सम का फंक्शन जो है हमने चूज़ किया है, ठीक है। यानी जो हमारी कैलकुलेशन एडिशन है तो हम सम का फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अगर हमारा जो फंक्शन मल्टीप्लाई का है या एवरेज का है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेम है फंक्शन का वो परफॉर्म करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन दैट हेल्प अस टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म ऑन दी वैल्यूज़, ठीक है स्टूडेंट्स। यही मैंने आपको समझाया है कि जिस तरह की हमारी कैलकुलेशंस होगी उस टाइप का ही हमारा फंक्शन नेम होगा। लास्ट पार्ट है स्ट्रक्चर का, आर्गुमेंट्स। यानी कि फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट आर्गुमेंट्स कहलाता है। अब आर्गुमेंट्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है, द सेल रेफरेंसेस कंटेनिंग वैल्यूज पास टू अ फंक्शन टू बी यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं कि आर्गुमेंट्स क्या हैं। आर्गुमेंट्स कैन बी नंबर और टेक्स्ट वैल्यूज। द आर्गुमेंट्स आर ऑलवेज रिटन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। स्टूडेंट्स ये तो आर्गुमेंट्स की डेफिनेशन है। अब आर्गुमेंट्स होते क्या हैं, आपके सामने ये एक प्रोडक्ट का फार्मूला राइट किया हुआ है। इसमें जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस में जो डाटा मौजूद है, जो वैल्यूज़ हैं, उनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। यानी कि इसमें सेल रेफरेंस दिए हुए हैं A1 एंड C3, जिन कॉलम्स में डाटा एंटर करते हैं ये उनका एड्रेस होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमने A1 यानी कि A कॉलम और फर्स्ट रो में जो डाटा एंटर किया है, और C कॉलम और थर्ड रो में जो डाटा एंटर किया है, उनका जो एड्रेस है उसको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। आर्गुमेंट्स हमेशा क्लोजिंग एंड ओपनिंग पैरेंथेसिस में होते हैं। पैरेंथेसिस क्या हैं स्टूडेंट्स, इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। यानी जो हम मैथ्स में ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसको हम कंप्यूटर साइंस में पैरेंथेसिस कहते हैं। ऐसे ही ये सम का एक फार्मूला राइट किया हुआ है। इसमें हमारे पास A जो है वो टेक्स्ट वैल्यू है, और 1 जो है वो स्टूडेंट हमारे पास नंबर वैल्यू है। यानी कि दोनों वैल्यूज जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं आर्गुमेंट्स में, ठीक है। और जो पैरेंथेसिस के अंदर डाटा मौजूद होता है, जो वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, उनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्यूरी की समझ नहीं आई या कहीं भी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।